बहुपदों के व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक घात वाले कुछ बहुपद दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक देखिए। p ऑफ x बराबर 2x धन 3, q ऑफ x बराबर वर्गमूल 2 ऋण x, s ऑफ x बराबर 1 बटे 2 गुणित x धन 3 बटे 2, r ऑफ x बराबर x धन 2, p ऑफ x बराबर वर्गमूल 7 गुणित x ऋण 4, p ऑफ x बराबर 2 गुणित कोष्टक में 3x धन 8। इन सभी में अधिकतम दो पद हैं। सोचें एवं चर्चा करें, क्या आप एक घात वाला कोई ऐसा बहुपद बना सकते हैं जिसमें दो से अधिक पद हों? ध्यान रहे, बहुपद बनाते समय समान पदों को इकट्ठा करके लिखें। ऊपर के उदाहरणों के सभी बहुपदों में एक अक्षर संख्या आवश्यक रूप से उपस्थित है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इन बहुपदों में अक्षर संख्या का गुणांक शून्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें वास्तविक संख्या धन 3, ऋण 4, 1 बटे 2, वर्गमूल 2, शून्य आदि भी सम्मिलित हैं। क्या हम इन्हें a गुणित x धन b के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां a और b कोई वास्तविक नियत संख्याएं और a शून्य के बराबर नहीं है। दूसरे उदाहरण की ax प्लस b से तुलना करें तो वर्गमूल 2 ऋण x बराबर ऋण x धन वर्गमूल 2 बराबर कोष्टक में ऋण 1 गुणित x धन वर्गमूल 2 बराबर ax धन b। तुलना करें, यहां a बराबर कोष्टक में ऋण 1 जहां a शून्य नहीं है, b बराबर वर्गमूल 2 जहां वर्गमूल 2 एक वास्तविक संख्या है। आप देख रहे हैं बहुपद वर्गमूल 2 ऋण x ax धन b के जैसा ही है। एक और बहुपद को देखें, x बराबर 1 गुणित x बराबर 1 गुणित x धन 0 बराबर ax धन b, a बराबर 1 b बराबर 0। इसलिए बहुपद x भी ax धन b के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप शेष चार बहुपदों को भी ax धन b के रूप में लिखें। ax धन b को x के पदों में एक घात का बहुपद रेखीय बहुपद कहा जाता है, जहां a और b वास्तविक नियत संख्याएं हैं और a शून्य के बराबर नहीं है। अब इन बहुपदों पर विचार कीजिए। 4x की घात 2 धन 3x ऋण y का वर्ग धन 2, x का वर्ग ऋण 4x ऋण 9, वर्गमूल 2 m का वर्ग ऋण 3 बटे 2 m ऋण 9। ये बहुपद एक अक्षर संख्या वाले द्विघात बहुपद हैं। इन्हें वर्ग बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इन्हें हम a x की घात 2 धन bx धन c के रूप में लिखते हैं, जहां a b और c वास्तविक नियत संख्याएं तथा a का मान शून्य नहीं है। करके देखें, पहला, 5 कोई वर्ग बहुपद बनाइए। दूसरा, वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? तीसरा, वर्ग बहुपद में न्यूनतम कितने पद हो सकते हैं? अधिक घात वाले बहुपदों के व्यापक रूप। 4x की घात 3 धन 2x वर्ग धन 5x ऋण 7, y की घात 4 धन 3y की घात 3 ऋण 5y का वर्ग धन 7y, m की घात 5 ऋण 3m का वर्ग धन 2, z की घात 6 ऋण 5 z की घात 5 ऋण 3 z की घात 2 धन 2z आदि सभी बहुपद हैं। हम देख सकते हैं कि इनमें बहुपद की घात बढ़ती जा रही है, साथ साथ अधिकतम संभव पदों की संख्या भी बढ़ रही है। इन सब में x, y, m, z आदि की विभिन्न घातों के अलावा संख्याएं हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। बहुपद की घात उसमें उपस्थित अक्षर संख्या x, y, m, z आदि की अधिकतम घात से तय होती है। अतः अधिकतम घात का गुणांक शून्य नहीं हो सकता। इसलिए हमने दो घात वाले बहुपद में a का मान शून्य नहीं है की शर्त रखी। बहुपदों के बारे में
हम आगे और पढ़ेंगे, साथ ही अक्षर के अलग अलग तरह के प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। सभी घातों के लिए बहुपद के और भी व्यापक रूप को देखेंगे। यह सब आगे की कक्षाओं में होगा। क्या आप दिए गए अधिक घात वाले बहुपदों को भी ऊपर लिखे गए ax धन b, ax का वर्ग धन bx धन c की तरह लिख सकते हैं? शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो जाएं, जैसे ax का वर्ग धन bx धन c में a बराबर b बराबर c बराबर शून्य हो, तो हमें शून्य मिलेगा। इसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसकी घात अपरिभाषित है, अर्थात इसको प्रत्येक घात के बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है।